हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा, जिसमें बेसिकली हम एक नंबर इनपुट देंगे और चेक करेंगे कि जो हमने नंबर इनपुट दिया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं कोड करना। सो गाइस, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलपर सी प्लस को स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा हम इसका लॉजिक जो है बेसिकली प्रोग्राम का वो देख लेते हैं बेसिकली क्या है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है गाइस, जब हमारा नंबर ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, दैट मीन्स हमारा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, अगर ये फॉल्स हो रही है तो दैट मीन्स नंबर हमारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम ये चेक कर लेंगे फॉल्स होने पर कि अगर एन बराबर है जीरो के, दैट मीन्स नंबर हमारा जीरो है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है तो उस केस में हम चेक कर लेंगे, उस केस में हम प्रिंट कर देंगे नंबर हमारा नेगेटिव है। ठीक है गाइस, सो इस लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं फटाफट कोड में। सो कंट्रोल एन से मैंने एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर दी। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड गाइस, ये क्लिक नहीं हुआ था। हाँ, सो न्यू फाइल मैंने क्रिएट करी, हैश इंक्लूड नाउ stdio.h इंट मेन। यहाँ पर सबसे पहले हमने n एक वेरिएबल लिया, यूज़र को हमने प्रॉम्प्ट दिया एंटर नंबर या एंटर एन इंटीजर। नाउ scanf का यूज़ किया हमने और एड्रेस ऑफ एन पर हमने वैल्यू इनपुट कराई। नाउ हमने सबसे पहले चेक किया अगर एन ग्रेटर देन ज़ीरो है, दैट मीन्स नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो हमने प्रिंट करवा दिया परसेंट डी इज पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड एन की वैल्यू। अगर सपोज दैट हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि नंबर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हमने चेक किया एन अगर बराबर है जीरो के, तब हमने प्रिंट करवा दिया प्रिंट एफ परसेंट डी इज जीरो कॉमा एन की वैल्यू, एंड एल्स पार्ट में हम लोगों ने प्रिंट करा दिया परसेंट डी इज नेगेटिव एंड एन की वैल्यू, फाइन, और सबसे बाहर हमने रख दिया रिटर्न जीरो। नाउ हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं एंड इसको हमने सेव कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नेस्टेड नाम से, ओके। नाउ इसे हम कर देते हैं कंपाइल एंड रन। सो गाइस, ये मैं क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को मेरी और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन कर देते हैं। सो हमने इनपुट दिया सपोज दैट 50, ओके, ये हमने टाइप किया 50 और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो गाइस, जैसे ही मैं 50 टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा, ये वैल्यू किस में जाके स्टोर हो जाएगी, एन में, राइट। देन चेक होगा एन ग्रेटर देन जीरो है क्या, ट्रू है, तो इस इफ के अंदर आएगा, प्रिंट करा देगा 50 इज पॉजिटिव इंटीजर, एंड एल्स पार्ट पूरा स्किप हो जाएगा, ये हमें पता ही है। सो एंटर प्रेस किया मैंने एंड दिस इज आवर रिजल्ट। नाउ गाइस, मैंने रन किया इसे डायरेक्ट और यहाँ मैंने इनपुट दिया माइनस का 10, सो माइनस 10 इज नेगेटिव। ठीक है गाइस, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।